नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से आई आज की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आरोप लग रहा है पुलिस पर कि एक गैंगस्टर के घर पर दबिश बनाने के लिए पहुंची पुलिस ने आरोपी की गैर मौजूदगी में उसकी बेटी की पिटाई की, दो बेटियों की पिटाई की गई जिसमें एक बेटी की मौत हो गई। ऐसा आरोप परिवार वालों की ओर से लगाया जा रहा है। इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए आलाधिकारियों ने एसएचओ को निलंबित किया है और भी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जो पोस्टमार्टम से बात सामने आई है रिपोर्ट से, उससे मौत की जो वजह है वो साफ नहीं हो पाई है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। इसके पश्चात जब बॉडी को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेजा, उसका पैनल से हमने पोस्टमार्टम करवाया है। एक गले के पास एक खरोच आई है और जो बाएं जबड़ा है उसके नीचे 0.5 सेंटीमीटर की एक छोटी सी मामूली सी चोट है। इसके अलावा कोई भी चोट पूरे शरीर पे, इसके अतिरिक्त अंदरूनी और बाहर दोनों, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, पोस्टमार्टम में नहीं आई है। इसके अलावा जो पोस्टमार्टम की फाइनल जो वो होती है, मतलब डिसीजन होता है, उसमें कॉज ऑफ डेथ जो है वो अननोन लिखा गया है और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। और जो एक बात मीडिया में फ्लैश हो रही थी रेप की, उसके संबंध में ये बताना चाहूँगा कि कोई भी अंदरूनी अंग के ऊपर कोई भी असॉल्ट या चोट नहीं आई है। यह उस लड़की के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है जिसकी मौत के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया। नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दी और मौके पर पहुंची पुलिस पर भी गुस्सा निकाला। मामले को शांत करने के लिए बड़े अधिकारियों को आना पड़ा और अब सूबे के उप मुख्यमंत्री को भी सफाई देनी पड़ रही है। श्री अखिलेश यादव जी बौखलाए हुए हैं। अगर कोई पुलिस वाला गलत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन अपराधियों को पकड़ने के लिए अगर कोई पुलिस गई है और उस पुलिस के जाने के बीच में इस प्रकार की घटना हुई तो दुखद है। मैं इस पर निश्चित तौर से दुख व्यक्त करता हूं। मामला चंदौली जिले के सैयद राजा थाना क्षेत्र के मनराजपुर गांव का है। गांव में कन्हैया यादव का घर है जिस पर जिला बदर की भी कार्रवाई हुई है। बलवे के एक मामले में कोर्ट के NBW वारंट को तामील कराने के लिए पुलिस शनिवार की शाम 4 बजे कन्हैया यादव के घर पहुंची। आरोपी कन्हैया घर पर नहीं मिला। घर वालों का आरोप है कि कन्हैया के न मिलने पर पुलिस ने उनके परिवार के साथ इतनी ज्यादा बदसलूकी की कि उनकी एक बेटी की मौत हो गई, लेकिन पोस्टमार्टम में पुलिस किसी बड़ी मारपीट का जिक्र नहीं कर रही है। ये पुलिस सारा सा गलत बोल रही है। कैसे मौत हुई पीड़िता की? पीड़िता पुलिस आई, जबरदस्ती चढ़ गई, दो ही बच्चियां घर में थी और बड़ी बच्ची को पुलिस ने मारा पीटा और छोटी को इस घर में बंद करके मारा और बड़की को जब लगा चोट वो मृत्यु हो गई, तो ये सब उतर करके उसको पंखी में बांध कर भाग गई। अभी तो रिपोर्ट आई ही नहीं है, अभी तो हम लोग करा के सुबह गए हैं और रिपोर्ट आई नहीं, पुलिस अपने मन से बोल रही है। घटना के बाद गांव वाले बेहद गुस्से में आ गए, उन्होंने सड़क जाम कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस पर भी अपना गुस्सा निकाला, जिसमें दो पुलिस वाले घायल भी हुए थे। इस पूरे मामले में राजनीति भी होने लगी। देखिए, एक बहुत दुखद घटना हुई, ये पुलिस के पूरी लापरवाही से, यहाँ का HSO जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से, ये जीरा बदर थे जैसा वो कह रहे हैं, हम लोग जानकारी तो नहीं है, दीवार्टी थे, इनको सूचना थी घर पे आए, तो जब नहीं थे तो इस तरह की हरकत नहीं करना चाहिए। यहाँ आके बच्चों से मारपीट, महिलाओं से, लड़कियों से मारपीट किया उन्होंने, उनको चोट भी आई है और उसके बाद ये घटना हुई है। यहाँ सभी सीनियर अधिकारी भी आए हैं, IG साहब भी आए, DMSP भी आए, जिनसे हम लोगों ने घर के तरफ के लोगों ने मान रखा अपना, तो उन्होंने इस बात को माना भी कि जो इनकी FIR है, जो दरखास्त है, उसके अनुसार हम FIR भी करेंगे, कार्रवाई भी करेंगे, HSO को तुरंत निलंबित करने का भी उन्होंने वादा किया है। लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पुलिस जिस तरह के चोट की बात कर रही है और मौत के कारण को अभी अनजान बता रही है, उससे परिवार के लोगों को लग रहा है कि पुलिस कहीं लीपापोती में तो नहीं जुटी है। आए दिन होने वाली घटनाओं को लेकर लगता है कि लोगों का पुलिस पर से भरोसा उठने लगा है और चंदौली की इस घटना ने तो इस भरोसे की दरार को और बढ़ा दिया है। ऐसे में पुलिस को सिर्फ निष्पक्षता की बात नहीं बल्कि इस घटना की जितनी जल्दी जांच कर
दूध का दूध और पानी का करेगी, लोगों का भरोसा उतना ही मजबूत होगा। चंदौली से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बढ़ते हैं आगे। निर्दलीय सांसद नवनीत राणा को आज भी राहत नहीं मिल पाई है, उन्हें बेल नहीं मिल पाई है। आज फैसला 4 मई के लिए टल गया है। आपको बता दें कि आज ही सेशन कोर्ट की ओर से 5 बजे फैसला आना था। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनके घर मातोश्री के बाहर जब उन्होंने ऐलान किया था कि हनुमान चालीसा वो पढ़ेंगी, उसके बाद विवाद बड़ा हुआ और गिरफ्तारी हुई, राजद्रोह का भी मामला उन पर लगा। सुनील सिंह मेरे सहयोगी बने हुए हैं इसी खबर पर। सुनील, आज फैसला टलने की का कारण? पूजा, दरअसल ये जो मामला है ये सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ने की गिरफ्तारी जैसा नहीं है, इसमें सेडिशन का आरोप यानी राजद्रोह का आरोप लगा 124 ये, उस धारा में उम्र कैद की सजा होती है और बहुत ही गंभीर धारा है। लिहाजा ऐसे में जब सुनवाई होगी हुई है तब दोनों पक्षों ने अपने अपने तरह से दलीलें दी हैं कि क्या राजद्रोह का मामला बनता है या नहीं बनता है। अब इन सब चीज़ों पर जो जज हैं उन्हें फैसला लेना है और उन्हें एक निर्णय लेना है कि क्या वाकई में इस पूरे मामले पे राजद्रोह बनता है या नहीं बनता है, या फिर जो बचाव पक्ष की दलील है वो सही है, तो उसी के हिसाब से वो फैसला लिख रहे हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और दूसरी बात है कि आज और भी बहुत से केसेस आ गए हैं उनके पास, जिसकी वजह से वक्त नहीं मिला कि फैसला जो है पूरा लिख सकें, इसीलिए मामला जो है आज चल गया है। 4 मई को उन्होंने रखा कि 4 मई को सुबह अब उन पर जमानत अर्जी पर फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल जो धारा 124 है उसके जो मटेरियल लगाए गए हैं उसकी कसौटी है, जो अभी जो अदालत की कसौटी पे जो कसा जा रहा है उस पर जिसका वो मेरिट पाएंगे, अगर वाकई में उस पर कुछ ज्यादा आधार होगा तो हो सकता है कि मुसीबत नवनीत राणा की और भी बढ़ सकती है। बहरहाल उनको आज की रात, कल का दिन और कल की रात भी अब जेल में गुजारनी होगी, क्योंकि जो जमानत का फैसला आज आना था वो आज आ नहीं पाया, अब 4 मई को सुबह आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील आपका इस जानकारी के लिए। तो फैसला 4 मई के लिए टल गया है, सुबह करीब 11 बजे फैसला आ सकता है नवनीत राणा की बेल पर। बढ़ते हैं आगे। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की बात करते हैं। कांग्रेस में बात नहीं बनने के बाद अब उन्होंने जो इशारा किया है वो नजर आ रहा है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति में वो बड़ा धमाका कर सकते हैं, शायद अपनी पार्टी लेकर आ सकते हैं। उनके एक ट्वीट से इस तरह इशारा हुआ है और बिहार में इसकी उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। ये पार्टी कब तक लॉन्च होगी फिलहाल इसका कोई खुलासा नहीं है। अभी प्रशांत किशोर पटना में हैं। सोमवार को ट्वीट कर उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाने का समय आ गया है, बिहार से इसकी शुरुआत होगी। ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है आपको बताते हैं। उन्होंने लिखा कि लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन सार्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी खोज ने 10 साल रोलर कोस्टर की सवारी का नेतृत्व किया है। जैसे ही मैं बीते वर्षों को याद करता हूं तो लगता है कि अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर तरीके से समझने के लिए रियल मास्टर्स यानी कि जनता तक जाने का समय आ गया है, शुरुआत बिहार से। और इसी खबर पर मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़े हुए हैं। मनीष, ये भी कहा जा रहा है शायद तुरंत से वो पार्टी के गठन का या चुनाव लड़ने की घोषणा नहीं करें, लेकिन आपके सूत्र क्या बता रहे हैं और साथ ही साथ उस टिप्पणी पर भी जानकारी दे दें, भाजपा ने तो कह दिया अकेले तीर क्या मार लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं सुशील मोदी, अगर उनकी प्रतिक्रिया आ रही है तो इसका मतलब है कि उनकी पार्टी में या उनके द्वारा जो है इस विषय पर कोई ना कोई मंथन जरूर हुआ है। जहां तक राजनीतिक दल के घोषणा की का सवाल है तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा एक तरह से स्पेकुलेशन हो रहा था, लेकिन फिलहाल प्रशांत किशोर इसके बारे में कोई जल्दबाजी में इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव को 3 साल से अधिक का समय है, लोकसभा चुनाव में अभी भी 2 साल का समय बाकी है और वो चाहते हैं कि जन सुराज जो है वो दरअसल ये पूरा जो कैंपेन है इसके माध्यम से वो लोगों के बीच जाएं, जिससे कि उनकी राजनीतिक रूप से उनकी सक्रियता खासकर बिहार में बनी रहे और बढ़ती जाए और साथ ही साथ लोगों की समस्या जानने के साथ ही उसका समाधान कैसे हो इसके बारे में जाने, क्योंकि उनको लगता है कि जो अब 15 साल के लालू राबड़ी के बाद जो 17 सालों से यहाँ पर NDA की सरकार है वो भी अभी तक जो मूलभूत विषय हैं वो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, जैसे हेल्थ का मामला हो, हर दिन आप देखते होंगे पूजा की बिहार का कोई ना कोई स्वास्थ्य विभाग का या किसी अस्पताल का एक वीडियो वायरल जरूर होता है, लेकिन जो खबर आती है वो यह आती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट में
पटना के पुराने म्यूजियम से नए म्यूजियम तक एक सुरंग बनाने के लिए 380 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जिससे कि उनके समर्थकों को भी एक तरह से ये बात जो है अटपटी लगती है कि जब आप मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं तो इस तरीके की कामों का या इस तरीके की घोषणाओं की क्या प्रासंगिकता है। और यही कारण है कि प्रशांत किशोर को लग रहा है कि अब वो जनता के बीच जा सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर है कि ये जो समय उन्होंने लिया है कि यानी कि आज अगर वो राजनीतिक दल की घोषणा नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आने वाले कुछ महीनों के अंदर कांग्रेस पार्टी से जो बातें उनकी अभी खत्म हुई उसका भी एक विंडो वो खुला रख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कल को अगर गुजरात या हिमाचल में प्रतिकूल परिणाम आए तो ये बहाना ना कर सके कि नहीं अब प्रशांत किशोर ने तो अपना राजनीतिक दल बना लिया है तो उनसे कैसे कोई बातचीत या उन्हें अपने पार्टी का कोई भी काम कैसे दिया जा सकता है। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष। तो ये भी देखना होगा कि धर्म और राजनीति वाले बिहार में, इन मुद्दों पर राजनीति करने वाले बिहार में कौन सा मुद्दा लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ते हैं और किन किन को जोड़ते हैं। और ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं उड़ान के दौरान हादसे की खबर की। मुंबई से दुर्गापुर जा रही स्पाइसजेट की बोइंग B737 के 11 यात्री जख्मी हो गए उड़ान के दौरान और 3 क्रू मेंबर को भी चोट आई है। उड़ान के दौरान यह हादसा आखिर कैसे हुआ, इसको लेकर DGCA ने जांच शुरू की है। उड़ान के दौरान जहाज के भीतर का मंजर ये बताने को काफी है कि बाहर की खराब मौसम की मार अंदर किस कदर पड़ी है। सामान बिखरा पड़ा है और कई यात्रियों को गंभीर चोटें भी। स्पाइस जेट ने इस घटना पर खेद जताया है, साथ ही बताया है कि 8 यात्रियों को अस्पताल ने छुट्टी दे दी है। घायलों को जरूरी मदद मुहैया करवाई जा रही है। टर्बुलेंस के वक्त सीट बेल्ट साइन ऑन था और पायलट और क्रू मेंबर की तरफ से सीट बेल्ट बांधे रखने को लेकर घोषणा भी लगातार की जा रही थी और निर्देश भी दिए जा रहे थे। वहीं DGCA ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले की जांच को लेकर कई टीम गठित की गई हैं। घटना के पीछे की वजह की पूरी रिपोर्ट कुछ दिनों में आ जाएगी। इस हादसे में कुछ मुसाफिरों को सिर में चोट की वजह से टांके भी लगाए गए, वहीं स्पाइनल इंजरी तक की बात भी सामने आई है। सवाल उठता है कि ये मौसम की मार का ही नतीजा है या फिर कोई और वजह। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। और विमान में सवार एक यात्री से बात की हमारे सहयोगी विष्णु सोम ने। उस फ्लाइट में क्या हुआ था इसको बताइए, ये बताइए। एक्चुअली उस फ्लाइट में यू हुआ था, मान के चलिए जैसे हम लोग छोटे टाइम में जो पिंग पोंग बॉल से जंपिंग नहीं खेला करते थे। हेलो, आप बताइए, हम सुनाई दे रहा है, आप बताइए जी। हाँ, तो वैसा पैसेंजर जंपिंग कर रहा था फ्लाइट के अंदर, ठीक है। वो किस कारण से हुआ था हमको पता नहीं है जी। वो तो और आप कैबिन को बोल पाएंगे। आप खुद घायल हुए थे? हाँ, मेरा उतना ज्यादा मुझे लगा नहीं क्योंकि मैं सही टाइम पे मेरा सीट बेल्ट पहन लिया था, ठीक है, और जो हैंड रेस्ट है उसको मैं कस के पकड़ा था कि मैं छिटक ना जाऊं सीट से। तो और ये मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है। ये अचानक हुआ था, ये टर्बुलेंस अचानक हुआ था, कुछ समझने से पहले सब कुछ हो गया। और कितना टाइम के लिए हुआ था ये टर्बुलेंस? ये मोटा मोटी 15 मिनट के लिए हुआ था। और आप हमें बताएंगे ये 15 मिनट में क्या हुआ, आपने क्या देखा विमान के अंदर? 15 मिनट में देखा ये, मैं क्या बोलूं, मुझे बयां करने में मुझे रोंगटे खड़े हो जा रहे मेरे। अभी मैं मौत को मेरे आंख के सामने देखा हूँ जी, ठीक है। एक्चुअली मैं ये देखा कि मैं तो पूरा लास्ट सीट पे खड़ा था, तो 32C मेरा सीट नंबर था, 32C जी, तो पूरा लास्ट है वो, तो मेरा पूरा एयर क्या बोलते हैं फ्लाइट पूरा पैसेंजर मेरा सामने था जी, पूरा सामने था मेरा, ठीक है। तो मैं पूरा देख पा रहा था आपके सामने पूरा कुछ, तो देख रहे थे क्या मतलब पैसेंजर पूरा जंपिंग कर रहा था, ऊपर जा रहा फिर जंप करके नीचे आ रहा फिर जंप करके ऊपर जा रहा, ऐसा हो रहा था, मतलब इधर उधर पूरा हो रहा था, उलट पुलट हो रहा था पूरा। और विमान का जो ऑक्सीजन मास्क था वो भी नीचे आ गया था, हमें बताया जा रहा था वो तो नीचे आ गया था, ऑक्सीजन मास्क पूरा सब नीचे आ गया था। और कोई अनाउंसमेंट था पायलट या कैबिन अटेंडेंट के, कोई अनाउंसमेंट बेल्ट लगाने उन्होंने क्या कहा? लेकिन सीट बेल्ट लगाने के लिए तो बोल रहे थे केबिन क्रू से, लेकिन सीट बेल्ट लगाने का मौका नहीं मिला किसी को। तो वहां पे जैसे 192 पैसेंजर थे और वहां पे एयरपोर्ट में जहां लैंड हुआ, वो लोग तो पहले खबर मिल गया था
जी आधा घंटा पहले। तो एक चीज बताइए, ये फ्लाइट लैंड होने के बाद तुरंत वहाँ एक एम्बुलेंस आया, लोगों को बाहर निकाला गया अपने विमान से? नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगा उसमें, कितना टाइम लगा? चैनल के थ्रू हम यही कहना चाह रहे हैं, नॉट ओनली यू और होल पब्लिक एंड गवर्नमेंट ऑल्सो, ओके, ऐसा छोटा एयरपोर्ट काफी सारा है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, काफी सारा है, तो यहाँ पे स्टैंड बाय एम्बुलेंस क्यों नहीं रहेगी? इतना पैसे का टिकट है? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो आप सिर्फ ये बताइए, नहीं नहीं आप मुझे ये बताइए कितना टाइम लगा एम्बुलेंस पहुंचने, जो लोग घायल हुए थे उनको विमान से बाहर निकलने में कितना टाइम लगा था? 7:15 हम लोग लैंड किए जी, 7:15 में लैंड किए, 8:15 में एम्बुलेंस आया। आप हम लाइव किए थे, मेरा फेसबुक आईडी से हम लाइव किए थे, आप टाइम देख लीजिए, 8:15 बज रहा था उस टाइम जब एम्बुलेंस आया। तो मुसाफिरों को जिस तरह से चोट लगी है वो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा ये हादसा रहा होगा। बढ़ते हैं आगे, दिल्ली के शाहीन बाग से ड्रग तस्कर सैयद जो पकड़ा गया था उसके मुजफ्फरनगर ठिकाने पर करीब 900 करोड़ रुपए के 150 किलो से ज्यादा की हीरोइन जब्त की गई है। एक हवाला कारोबारी की भी गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसको देखते हुए कई एजेंसियां जांच में जुट गई हैं। हैदर के मुजफ्फरनगर के ठिकाने से हीरोइन की बड़ी खेप बरामद हुई। गुजरात एटीएस की टीम ने हैदर के एक पड़ोसी के घर छापेमारी कर करीब 900 करोड़ रुपए कीमत की 150 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। जिस घर से हेरोइन बरामद हुई उसकी मालकिन का कहना है कि हैदर की मां जीनत कह रही थी कि उसके घर में काम चल रहा है इसलिए ये सामान रख लो। भैया हमें तो पता नहीं, हमारा तो सिर्फ यूं आई थी कि भाई हमारा घर बन रहा, हमारा सामान रख लो, तो भाई वे रख के चली गई। अब रात हमारे यहाँ फिर पुलिस आई, अब वो पुलिस आ गए, फिर उन्होंने पूछा हमसे आके, कहने लगे कि जो रख के गई थी उन्होंने कि ये वो जो सामान रख के गए थे हम, वो सामान लेना है, वो सामान इनका है। तो मैंने कहा ले जाओ आप, मैंने बच्चे को अपने ऊपर भेजा, उन्होंने फिर बच्चे को नीचे भेज दिया, फिर मैं गई, मैंने जाके इस बात को कहा, मैंने कहा आप ये बताइए कि ये तो सामान आप जो कह के रख के गई थी कि हमारा मकान बन रहा है क्या इसमें, ये तो बताओ हमें। उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया कि भाई ये क्या क्या सामान है, क्या निकला, बस ये बात हुई, जो पुलिस वाला आ गए तेरे सारा सामान लेके चले गए। एनसीबी ने इस मामले में पांचवें आरोपी शमीम को लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि शमीम ड्रग्स का पैसा हवाला के जरिए दुबई भेज रहा था। इससे पहले हैदर के शाहीन बाग के घर से एनसीबी ने 300 करोड़ रुपए कीमत की 50 किलो हेरोइन, 30 लाख रुपए कैश और 47 किलो दूसरे नशीले पदार्थ बरामद किए। अब तक इस सिंडिकेट से 1200 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद हो चुकी है। इस सिलसिले में कच्चे माल से हेरोइन बनाने वाले दो अफगानी नागरिक दिल्ली के भोगल इलाके से गिरफ्तार किए गए। एक अजीम अहमद कैराना से पकड़ा गया। अजीम का भाई शाहिद हेरोइन समुद्र और अटारी बॉर्डर के रास्ते अफगानिस्तान से आ रही है। एनसीबी के मुताबिक हाल ही में गुजरात और अटारी बॉर्डर से जो हेरोइन पकड़ी गई वो भी अफगानिस्तान से उसी जगह से आई जहां से हैदर शाहिद मंगाता है। इस सिंडिकेट के तार दुबई, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से जुड़े हैं। इसमें एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें धीरे धीरे उसकी परतें खुल रही हैं। अभी एक पांचवी गिरफ्तारी हम लोगों ने की। जो हमारा एक मुख्य आरोपी है जो दुबई में बैठ के इस सारी चीज को मास्टरमाइंड कर रहा है, दुबई, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब देशों के नाम आ रहे हैं। कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होना बाकी है और उन पे हम लोग पैरेलली काम कर रहे हैं। विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से हम लोग उस पे निगाह बनाए हुए हैं। कस्टम की टीम भी इस सिंडिकेट के आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जबकि एनसीबी की टीम गुजरात और अटारी बॉर्डर में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने जाएगी। हाल ही में पूरे देश में अलग अलग जगहों से जो हेरोइन की खेप बरामद हुई है उनके तार एक जगह से जुड़ते हुए दिख रहे हैं, इसीलिए अलग अलग जांच एजेंसियां एक साथ जांच में शामिल हो रही हैं जिससे इस सिंडिकेट के तार जोड़े जा सकें। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। क्यों सूखी सूखी है दिल्ली की यमुना, पूरी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश की बात।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करते हैं बिजली संकट पर राजनीति की। दिल्ली सरकार की ओर से कोयले की कमी और बिजली संकट पर जो बयान दिए गए थे उसका जवाब देते हुए पत्र के जरिए ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने अपना जवाब सामने रखा है और एक तरह से दिल्ली सरकार को अफवाह के जरिए पैनिक फैलाने का उस पर आरोप लगाया। अपने पत्र में उन्होंने क्या लिखा है आपको बताते हैं। सिंह ने अपने पत्र में उन संयंत्रों में बिजली के स्टॉक का ब्यौरा दिया है। उनके मुताबिक एनटीपीसी के दादरी प्लांट में 8 दिन, उचाहार प्लांट में करीब 4 दिन, कहलगांव प्लांट में 5 दिन, फरक्का प्लांट में 8 दिन और झज्जर प्लांट में 8 दिन का स्टॉक बचा है, ऐसा लिखा है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि इन प्लांटों में हर दिन कोयले का स्टॉक बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने पत्र में दादरी और उचाहार प्लांट में कोयला का केवल 1 दिन का स्टॉक बचने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जवाब में ऊर्जा मंत्री की ओर से ये बात कही गई है कि एक तरह से दिल्ली सरकार की ओर से पैनिक फैलाने की कोशिश हो रही है। तो एक तरफ जहां कोयले पर राजनीति हो रही है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, वहीं पर कई राज्यों में झुलसाने वाली गर्मी है। महाराष्ट्र की बात करें तो अब तक लू की वजह से 25 यहां पर संदिग्ध मौतें हुई हैं और 381 ऐसे लोग हैं जो लू की चपेट में आए हैं। मुंबई शहर की बात करें तो सामान्य से ऊपर पारा यहां पर कई दिनों से है, उमस है, जिसकी वजह से अब जो शारीरिक समस्या है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, वो खासतौर से बच्चों और महिलाओं में नजर आने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। बढ़ते पारे से महाराष्ट्र बेहाल है। राज्य में लू से 25 संदिग्ध मौतें हुई हैं, तो 6 की पुष्टि हुई है। अब तक 381 लोग लू की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा आग झेल रहा महाराष्ट्र का विदर्भ, 46 डिग्री पार चल रहा है। मराठवाड़ा 43 पार, तो मध्य महाराष्ट्र के भी कई जिले 42 डिग्री या फिर उससे ऊपर की गर्मी में तप रहे हैं और करीब 8 से 10 दिनों तक लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। प्री मानसून गतिविधियां यानी कि जो डस्ट स्टॉर्म, थंडर स्टॉर्म या थंडर शावर होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं हुए, और हुए तो आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, इस इलाके में ही देखने को मिले। विदर्भ, मराठवाड़ा और नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र पूरी तरह शुष्क और गर्म रहे और पश्चिम दिशा से, उत्तर पश्चिम दिशा से गर्म और शुष्क हवाएं लगातार चलती रही, आसमान साफ रहा, जिससे इतनी ज्यादा गर्मी हुई और बदकिस्मती से हीट स्ट्रोक के कारण कई लोगों की इस बार जान गई है। और प्री मानसून गतिविधियां अभी फिलहाल हमें नजर नहीं आ रही हैं, तो हम कह सकते हैं कि अगले 8-10 दिन तक किसी भी तरह की खास रिलीफ दिखाई नहीं दे रही है। अप्रैल महीने से ही सामान्य से ज्यादा गर्मी और उमस झेल रही मुंबई में बच्चों के शरीर पर ऐसे रैशेज, शरीर में पानी की मात्रा सामान्य से कम यानी कि डिहाइड्रेशन के कारण महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के भी मामले बढ़ने लगे हैं। पहले तो हम देखते थे कि मई जून में होता था, बट ये तो अप्रैल के अंत में और मई के शुरुआत से ही बहुत शुरू हो गया है। बॉम्बे में कहा जाता है कि यह हॉटेस्ट अप्रैल था जिंदगियों में, उसका मतलब आप समझ सकते कितना हीट हो रहा है। औरतों में ये ज्यादा तकलीफ हो सकती है, औरतों को इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक में, क्योंकि पानी कम होने के वजह से, डिहाइड्रेशन के वजह से पेशाब इतना नहीं होता है, तो लोअर एरिया में इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं। देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का कहर जारी है। ऐसे में केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों की समीक्षा करते हुए जरूरी दवाइयों और उपकरणों का पर्याप्त स्टॉक रखने का निर्देश दिया है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और दिल्ली में भी लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में आईटीओ के पास जो यमुना है उसकी तस्वीर देखकर आप दंग रह जाएंगे, जो बिल्कुल सूखी सूखी नजर आ रही है। यहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी शरद शर्मा की। एक तरफ दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि खुले आसमान के नीचे भरी दोपहरी में आप खड़े हो जाएं तो बदन जल रहा है, तो दूसरी तरफ अब मैं जो आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आपका दिल जलेगा। मैं दिल्ली के आईटीओ के पास यमुना नदी में खड़ा हुआ हूं और यहाँ से नदी गायब हो चुकी है, सूख चुकी है। मैं यमुना नदी के बीचों बीच खड़ा हूँ। जहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर इस समय मैदान बना हुआ है और ये देखिए ये स्थिति यहाँ पर यमुना नदी में, बीचों बीच यमुना नदी में दिखाई दे रही है। इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और 72 साल में बताया जाता है कि अप्रैल का महीना इतना गर्म कभी नहीं रहा जितना इस बार रहा है, तो इसका भी ये असर हो सकता है कि यमुना आईटीओ के पास जो है वो
इस तरह की दिखाई दे रही है कि यमुना नदी दिखनी ही बंद हो गई है। और दूसरा, जो दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि एक तो गर्मी का तो असर है ही, और दूसरा हरियाणा ने पानी कुछ कम छोड़ा है, जिसकी वजह से वजीराबाद से आगे दिल्ली जल बोर्ड ही पानी कुछ कम छोड़ रहा है, जिसकी वजह से आईटीओ के पास यमुना लगभग सूख चुकी है। देखिए, इसके दो बड़े कारण हैं। एक तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत भयंकर लेवल की जो है हीट वेव चल रही है। गर्मी आपने देखा भी होगा कि इस बार अप्रैल में जो गर्मी पड़ी वो पिछले सालों की तुलना ज़्यादा थी। और दूसरा कारण ये है कि वजीराबाद पे हम एक लेवल मेंटेन करते हैं दिल्ली की पानी की सप्लाई के लिए, और ये लेवल औसतन 674.5 के करीब रखते हैं। और क्योंकि हरियाणा से पानी जो है थोड़ा सा कम आ रहा है, तो ये लेवल जो है 673.1 है, और 673 से कम जाते ही जो है हमारे लिए पानी की प्रोडक्शन में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अभी प्रोडक्शन कम हुई है, मगर क्योंकि हमारे पास पानी जो है जितना आता है उससे थोड़ा कम आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी जो है हम यमुना में आगे छोड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्शन के लिए इस पानी की ज़रूरत है। तो हरियाणा सरकार को हमने लिखा भी है, परसों पत्र लिखा है, और हमें आशा है कि उनसे सहयोग मिलेगा, और जैसे ही लेवल थोड़े बढ़ जाएंगे तो पानी छोड़ देंगे, तो थोड़ा नदी में आपको पानी दिखेगा। हालांकि ये बात सही है कि अप्रैल, मई और जून के महीने में नदियों में जल स्तर कुछ कम हो जाता है, लेकिन ये बात भी सही है कि आईटीओ के पास यमुना नदी की जो तस्वीर इस बार दिखाई दे रही है वो भी पहले कभी नहीं देखी गई थी। यमुना नदी दिल्ली से, मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो जिस तरह से ये मैदान तप रहे हैं, लोग किस तरह से पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए देश की बात। और देश की बात में ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया किस तरह से कई राज्य भीषण गर्मी से गुजर रहे हैं। ऐसे में जब मैदान तप रहे हैं तो लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अब आइए आपको वो दिखाते हैं। श्रीनगर में सैलानियों की भीड़ नजर आ रही है। 4 साल में इतने सैलानी इतनी संख्या में पहली बार नजर आ रहे हैं। एक्सेलेंट। 80 साल की बुजुर्ग विद्या ठाकुर देसाई पुणे से हैं। कश्मीर की बेपनाह खूबसूरती और दिलकश फिजा देख वो काफी खुश हैं। पुणे की चिलचिलाती गर्मी से दूर वो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कश्मीर की सैर पर आई हैं। पूरा परिवार डल लेक में एक हाउस बोट में ठहरा है। हालांकि इन दिनों बिजली काफी कट रही है, इसके बावजूद पर्यटक कश्मीर का खूब लुत्फ उठा रहे हैं। मैंने बहुत बार सुना था कि ये स्वर्ग है। सच में ये स्वर्ग है। कल ही हम पुणे से आए हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है। यहाँ लोग काफी सहयोग कर रहे हैं, हमें यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। हम पहले भी कई जगह गए हैं, लेकिन ये जगह मैजिकल है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना पूरा हो गया हो। चाहे आपके पास इस जगह की कितनी भी तस्वीर हो, लेकिन यहाँ की खूबसूरती यहाँ आकर ही पता चलेगी। कई साल बाद कश्मीर सैलानियों से इतना गुलजार दिख रहा है। बीते 4 महीने में 6 लाख से ज्यादा सैलानी यहां आ चुके हैं। ये तादाद साल 2021 में आए कुल पर्यटकों से भी ज्यादा है। होटल, हाउस बोट सैलानियों से भरे हुए हैं। नजीर अहमद और शकीरा वल्ला जैसे कारोबारियों के लिए ये बड़ी राहत है। पिछले कुछ साल सुरक्षा व्यवस्था के हालात और कोविड महामारी के कारण उनका कारोबार ठप पड़ गया था। पूरे 3 साल बाद इतना अच्छा सीजन आया है। कोरोना के कारण हमें काफी तकलीफ हुई थी, लेकिन अब व्यापार और सीजन दोनों ही बढ़िया है। अप्रैल के महीने में ही कश्मीर घाटी में 2,70,000 सैलानी आए। राज्य पर्यटन विभाग को उम्मीद है कि आने वाले महीनों में ये तादाद और बढ़ेगी। हमने जिस तरह से नए अनुभव बनाए हैं,
नए क्षेत्रों को पेश करने की कोशिश की है। हमने पूरे देशों में अच्छा अभियान चलाया है। ये सीजन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर पर्यटकों का ऐसे ही आना जारी रहा तो कश्मीर में पहले के तमाम रिकॉर्ड टूट सकते हैं। पहले कोविड की वजह से फॉरेन ट्रैवल पर रिस्ट्रिक्शन लगा, जिससे पर्यटक बड़ी तादाद में कश्मीर आए। अब हीटवेव की वजह से कश्मीर की तरफ टूरिस्ट अपना रुख ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर रहे हैं। श्रीनगर से नज़ीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।